आ चुके हैं और अब बहुत खुश हैं। थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मेरा पासपोर्ट से रिलेटेड, वो अभी घर पे जाके बताएंगे। है ना, यहाँ एक नया चीज़ देखे तो सोचा आप लोग को दिखा दे। यहाँ पर देखो ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन नहीं है, बस वो पंखा घूम रहा है और वो चीज़ दिख रहा है। दिस इज़ अमेजिंग। अब ये आ गए दोस्त 9000 रुपये, ये आ गया रिसीव, मतलब यहाँ सारे एटीएम काम करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे आज नया ट्रिप शुरू होने जा रहा है मॉस्को के लिए, मतलब रसिया जा रहे हैं। ये देखिए, ये सब कुछ हो चुका है, मुझे क्या बोलते हैं, मुझे हाँ सिक्योरिटी मिल हो चुका है, सिक्योरिटी पास हो गए हैं, तभी हम वीडियो बना रहे हैं। मुझे लग रहा था आज है 26 फरवरी 2022, मुझे लग रहा जाने नहीं देंगे, लड़ाई हो रहा है इस वजह से, लेकिन मुझे जाने दे रहा है तो हम वीडियो बनाने शुरू कर रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं ड्यूटी फ्री जोन, यहाँ देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं ड्यूटी फ्री जोन, दिखाते हैं आपको। तो हमें यहाँ पर मिलते हैं सबसे पहले देखिए 40,000 के दो दाबे, यहाँ 6,000 के हैं, ठीक है। इधर भी काफ़ी सारा चीज़ है, लेकिन लोग देखते क्या हैं मैं बता रहा हूँ। जेक डेनियल का है 4600 देखिए, ये ड्यूटी फ्री है, इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं है, ठीक है। ये देखिए 6800 25% से 7000 का है। ये टीचर्स है और आपको दिखाते हैं, इस टीचर्स को एक बार हमने टेस्ट किया था और 1550, ये तो बहुत सस्ता है भाई, हमने 2500 का खरीदा था। लेकिन अब हम जा रहे हैं अपने गेट का तरफ, देखते हैं। अभी काफ़ी समय हो चुका है, 1:30 बज चुका है और 2 बजे मेरा फ्लाइट है। देखो रसिया में इमिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ तो सब ठीक हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास ना यूनिवर्सल ट्रैवल एडाप्टर नहीं था, तो यहाँ पर आकर मैं एयरपोर्ट में खरीद रहे 1400 का ये वाला होता है ये, लेकिन अच्छा क्वालिटी का क्रोमा का है, 500-600 में मिलते हैं, लेकिन वो अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये हमने ट्रेवल एडाप्टर लिया है। और भैया जी बताइए कैसे हैं आप, बढ़िया हैं? आपके पास क्या क्या आइटम मिलता है यहाँ पे? हार्ड डिस्क वगैरह, पावर बैंक्स वगैरह देख सकते हैं, फोन्स भी है ना, हेडफोन्स। अच्छा, और ये ड्यूटी फ्री जोन है ना भैया? ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें है। चलिए ये ड्यूटी फ्री जोन से अभी हम यूनिवर्सल ट्रैवल चार्जर ले लिए हैं। महंगा है बाहर के हिसाब से, यहाँ थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन तब पर भी महंगा है, क्योंकि ये ब्रांडेड चीज़ रखते हैं। और ये आ गया 126 के पास, तो मेरा अभी भी गेट नंबर है 19, पता नहीं कितना देर लगेगा यार। और आपको अगर कुछ भी पूछना है कमेंट में बताएगा, हम उससे रिलेटेड ज़रूर, यदि कुछ अलग है तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ जाने के लिए, अभी बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरे साथ अब क्या हो। ये है बाय वन गेट वन सब में, ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन है, ये तो मेरे ऑफिस में काफ़ी था, लेकिन तब पर ही आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लेज है, जूस है, पानी बोतल है, यहाँ पर आप डालो 5-10 कपन डालो, तो भाई भाई ने खरीदा है लेज। हम जाते हैं देखते हैं, और 19 में जाने दे रहे हैं कि नहीं, उसी के बाद बात करते हैं।
अभी तो हमें देखिए इतना कुछ मिल चुका है और हम जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ, देखते हैं क्या होता है। Please have your own boarding card and open the notebook ready for inspection. On behalf of Air India. So, अब हम उसने जा रहे अपनी गलियां में। ये रहा। हम 2 घंटा पहले आए लेकिन रुके नहीं, लगातार करते हैं। इतना यहाँ पर काम है इंटरनेशनल तो कुछ नहीं। दोस्तों हम आ गए हैं फ्लाइट पे, ये मेरा सीट है, कुछ लोग आ रहे हैं और ये है इधर बाहर का सीन। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप होगा, देखो कैसा होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। दोस्तों हम यहाँ बैठ गए हैं, बहुत एक्साइटेड हो। यहाँ पर देखिए ये अनाउंस हो रहे हैं और एक चीज़ हम नया देखें यहाँ पे एयर इंडिया में, देखिए अभी कैसा ये लाइट है ना, वहाँ पर ये बटन है ठीक है, तो ये हमें स्लाइड नहीं करना है, इसको जैसे ये नीचे वाला दबाएंगे ना, ये देखिए ये हो गया और ये देखिए थोड़ा अंधेरा ऐसा हो गया, ये मत लगा हुआ है कसम। और तो ये मतलब स्लाइड नहीं है, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, मज़ेदार है। दोबारा करके दिखाते हैं, देखिए इसको दबाया हो गया, अब धीरे धीरे ये वाइट हो जाएगा, अभी ये वाइट हो गया, आपको पता नहीं कैमरा में नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये मस्त लग रहा है। और ये देखिए लोग आ ही रहे हैं, हम पर बहुत पहले आ रहे हैं। ले जाना है कि ना, हमें भी नहीं पता है, चले जाना पता नहीं यार, ये लगेगा कहाँ पे।
ईयर है निकेम का। तो भाई एयर इंडिया में कोई मौज है, अभी पैसे भी लिए अच्छा अच्छा का। ये सब इंडिया में सबसे सस्ता टिकट है ना एयर इंडिया का, उसमें ले जाने का सामान कम है ना। पीछे दिख रहा है और यहाँ लोग सब मौज कर रहे हैं। तो बहुत मस्त सीन है यहाँ, देखिए आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट वाले ने हमारे तरफ टर्न कर दिया है। ये जो देख रहे हैं ना, ये आंखों से ही दिख रहा है, इतना खूबसूरत है, लग रहा है पता नहीं माउंट एवरेस्ट है। इतना भयानक, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, उसमें बर्फ है, बर्फ के ऊपर बादल और बादल के ऊपर हाँ। बहुत मस्त है दोस्तों, बहुत मस्त। तो दोस्तों ड्रिंक्स के बाद अब खाना आ गया है, ये भैया खाना लेते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए। बहुत अब लोग खाना मिलने वाला है, अब देखते हैं क्या मिलता है। ये केक है, दही है, एक कप है, पांडल का पी सकते हैं, अचार है, स्पून मिला है, टिश्यू मिला है, चावल है, पनीर। हमने वेज खाना ऑर्डर किया था, वेज मिला है, ये मिला है नमक, चीनी, ये मिला है शुगर, नमक, चीनी है, पेपर है लाल। तो दोस्तों खाना खाते हैं। दोस्तों खाना मिल गया है, खाना शुरू करते हैं। पराठा है, ये पनीर है, जा रहा है मॉस्को। हमने तय की दूरी 1711 किलोमीटर, अभी हमें जाना है 3065 किलोमीटर, ऊंचाई 12192, मतलब 12 किलोमीटर पॉइंट 192 किलोमीटर, और स्पीड है 851 किलोमीटर, और बाहर का टेम्परेचर है -51। और यहाँ मेरा मूवी चल रहा है, ये बाहर on
तो तुम लोग मॉस्को पहुँच गए और सब लोग इंतज़ार करने को लगे, पता नहीं एक बार जांच होगा आई थिंक मुझे लगता है वीडियो में। और ये देखिए दो मॉस्को एयरपोर्ट में यह समय लगेगा आधा घंटे में। चलिए तो वीडियो बने रहिए आगे बताते हैं। तो दोस्तों मॉस्को आ चुके हैं और अब बहुत खुश है। थोड़ी सी दिक्कत हुआ था मेरा पासपोर्ट से रिलेटेड, वो अभी घर पे जाके बताएंगे। एकदम यहाँ एक नया चीज़ देखे तो सोचा आप लोग को दिखा दे। यहाँ पर देखो ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है, यह स्क्रीन नहीं है बस वो पंखा घूम रहा है और वो चीज़ दिख रहा है। दिस इज अमेजिंग। अभी जा रहे हैं ATM से पैसा निकालेंगे। ATM को रस्सी में बोलते हैं बैंकोमात। तो जा रहे हैं बैंकोमात, पैसा निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों देखिए आ गए हैं यहाँ पे ATM पे, पिन डाल चुके हैं, विड्रॉ हम निकालेंगे 9,000 रुपये। बाहर अभी देखते हैं भाई, देखो ये भाई भी मेरे साथ आया। भाई ऐसा कर, भाई करो पैसे तो निकल रहे हैं। ये आ गए दोस्त 9,000 रुपये। ये आ गया रिसीव, मतलब यहाँ सारे ATM काम करते हैं। अभी जा रहे हैं एयरो एक्सप्रेस मेट्रो पकड़ने, जैसे हम लोग का दिल्ली में है राजीव चौक से मेट्रो जाने के लिए, सेम वही मेट्रो है। तो इमिग्रेशन तो हम लोग के साथ बहुत भयानक हुआ था, थोड़ी देर में बताते हैं। जब हम मेट्रो में पहुंच जाते हैं तब बताते हैं क्या हुआ था। 2 घंटे रुके हैं अभी, तो मेरा होस्ट भी मेरा इंतज़ार कर रही है। अभी होस्ट के पास जाते हैं, उससे पहले अभी रखते हैं। दोस्तों एक चीज़ बताना था, जैसे हम इंडिया में खाली बैठे हैं तो लोग जैसे बैठे रहते हैं, देखो यहाँ भी लोग ऐसे ही बैठते हैं। ऐसा नहीं कि हमें लगता है विदेश में सब हीरो बने हुए हैं। और ये है मेरा एयरो एक्सप्रेस मेट्रो, हम जा रहे हैं इधर टर्मिनल की तरफ। ये काफ़ी लंबा है, ये देखो भाई मेरा तो फ्रेश पासपोर्ट था। बहुत दिक्कत हुई इमिग्रेशन में, बहुत कम से कम 3 घंटे बैठे हुए थे, लेकिन भगवान का किस्मत और कृपा से देखो हमें जाने दे दिया, अच्छा लगा। अभी परसों ही मेरा एक दोस्त आया था दूसरा एयरपोर्ट में, मतलब DME में, उसे तो रिटर्न कर दिया। हमारी किस्मत अच्छा था कि हमें आया है, रिपोर्ट नहीं किया, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा, बता नहीं सकते क्या खुशी है। अभी जा रहे हैं टिकट कटाते हैं, फिर आपको बताते हैं इमिग्रेशन हुआ क्या क्या मेरे साथ। बिलर उसके टर्मिनल 115 महंगा है भाई, 450 का। ये देखो हम लोग को तो 60 रुपये में हो जाता है दिल्ली में। भाई यहाँ पर अभी तो माइनस में टेम्परेचर है, ठंडा लगना शुरू हो चुका है। हम किसी में चढ़ते हैं अभी, फिर आपको बताते हैं क्या क्या हुआ। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे मेरा इमिग्रेशन के बारे में, तो क्या प्रॉब्लम आया। मेरा पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट था और जब हम पासपोर्ट बनाए थे तब मेरा में बड़ा बड़ा बाल था, और अभी मेरा पासपोर्ट में ये टकला वाला स्टाइल है। तो जब हम गए सिक्योरिटी में इमिग्रेशन में, तो उन्होंने देखा और बोला ये फ्रेश है, बोले और कहीं गए हो, बोले नहीं हमको साइड करवाया। फिर ऐसा करके हम लोग 6-7 बनते थे, बाकी सब तो चंडीगढ़ उंडीगढ़ के थे, तो वो लोग तो पैकेज लेके आए, सबको साइड कराया। हमने
दो घंटे इंतज़ार किया, फिर हमें बुलाया, पूछा कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, उन्होंने लिखा, फिर उन्होंने चेक किया, उसके बाद फिर मेरा मोबाइल नंबर, मोबाइल लिया, मेरा EMI नंबर लिया और फिर इंतज़ार कराया। फिर काफ़ी देर हुआ, हम लोग यहाँ 6 बजे पहुँच गए थे और लगभग अभी देखते कितना बच रहा है, अभी तो मेरा एक्सप्रेस में है लेकिन हाँ तो 10 बजने, लेकिन 9 बजे तक छोड़ दिया था वो लोग, 3 घंटा बैठाया। और उसके बाद सबसे पहले मेरा ही हुआ, किस्मत अच्छा था, बहुत खुश है। अब आपको एयर एक्सप्रेस दिखा देते हैं, देखिए ये क्या है, ये डबल टिकर मेट्रो है, देखिए ऊपर भी बैठे हुए हैं, पहले हम ऊपर ही गए थे तो ऊपर में काफ़ी सारा लोग बैठे हुआ है तो हम ऊपर नहीं गए, इधर भी बैठा हुआ है सारा लोग इधर, तो हम इधर साइड में बैठ गए, मेरा सामान यहाँ पर है, यहाँ पर सामान है और इधर बाहर तो अभी अंधेरा है तो नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है तो। और अभी होटल बुक किया था लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं, हम जा रहे हैं होस्ट के यहाँ, होस्ट से बात हो गया है, वो बोल रहा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग तो सोने जा रहे थे, तो हम बोले हम अभी एयर एक्सप्रेस मेट्रो में तो अभी जस्ट जाएंगे, फिर बताते हैं देखते हैं क्या होता है। दोस्तों रसिया के पास सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये है, एक्सेलेटर है, देखो ये देखो ये इधर भी ख़त्म नहीं हो रहा है और ये इधर भी ख़त्म नहीं हो रहा है, भी गिर जा रहा है, इतना ऊंचा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनको इंग्लिश आती नहीं है और यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ भी नहीं है, मेट्रो चेंज किए ना बहुत दिक्कत हुआ, एयरपोर्ट लाइट से जैसे दिल्ली में जुड़ा हुआ रहता है यहाँ वैसे था नहीं, पहले बार में दिक्कत आया लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी जा रहे दोस्त होस्ट के घर में इंतज़ार कर रही है, चलिए देखते क्या होता है। दोस्तों ये आ गया रसिया का मेट्रो, देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, следующая станция Новослободская, दिल्ली मेट्रो की तरह ही है, देखिए स्क्रीन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर खूबी है, मेरा बगल में चार्जिंग पॉइंट हर सीट में, उसके बाद अगर चार्जर नहीं है तो आप यहाँ पर आकर चार्ज कर सकते। दोस्तों यहाँ मॉस्को में 9 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और इंडिया में भी 9 बज रही है, देखो यहाँ पर नाइट लाइफ। हम जा रहे हैं अपने होस्ट के घर, देखते हैं क्या होता है गूगल मैप के थ्रू।